पाओ ऐप पे रजिस्टर करने के फ़ायदा क्या है? सबसे पहले यहाँ पे कोई भी पर्सन अपने आप को एनरोल कर सकता है, छोटे से छोटा बड़े से बड़ा। तीन स्टेप को फॉलो करते हुए इस बिज़नेस को यहाँ पे अपने बिज़नेस को एनरोल किया जा सकता है। सबसे पहले साइनअप करते हैं, साइनअप करने पे आपकी कुछ इस तरीके से प्रोफाइल आ जाती है। उसके बाद यहाँ से आप ऐड शॉप में जाते हैं। जैसे ही आप ऐड शॉप करेंगे ये एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये फॉर्म ओपन हो जाएगा ये आपकी जो बिज़नेस है यहाँ पे एनरोल हो जाता है। इसके बाद आप इसको व्यू करते हैं, यहाँ पे आपकी जो भी प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो भी है वो आप इसको ऐड में जाकर यहाँ से ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करेंगे इस तरीके से एक फॉर्म ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट की पिक अपलोड कर सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका प्राइस है वो आप डाल सकते हैं, GST क्या है, फीचर्स क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, प्राइस क्या है वो फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद जो आपकी प्रोडक्ट है वो अप्रूवल के लिए जाती है। अप्रूवल के लिए जाने के बाद ये अप्रूव हो जाती है जो कि पाओ यूज़र में यूज़र को दिखेगी। अब यहाँ से कोई भी यूज़र उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को देख सकता है, उसको व्यू कर सकता है, व्यू करने पे उसके जो भी फैसिलिटी हैं उनको देख सकता है और वहाँ से बाय कर सकता है, व्यू पे जाके उसको बाय कर सकता है। दूसरी तरफ यूज़र किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विस को फाइंड कर सकता है। जैसे जिम को उसको जाना है वो जिम में जा सकता है, उसके आसपास जो भी एरिया में जिम है वो उसको शो हो जाएंगे और यहाँ से उनकी डिटेल दिख जाएगी। डिटेल दिखने के बाद जैसे भी यहाँ पे दिख गए 1285 रुपये मंथली में 60% ऑफ है। वैसे इसकी जो फ़ीस है वो 2500 रुपये की फ़ीस है। मुखर्जी नगर में ये जिम है और इसका टाइमिंग वगैरह लिखा हुआ है। यहाँ से जाके मैं इसको बाय कर सकता हूँ और कुछ क्वेरीज होगी तो मैं कॉल करके उनको कन्फर्म भी कर सकता हूँ। इसी तरह वेंडर अपने प्रोडक्ट में अपने ऐप में अनलिमिटेड प्रोडक्ट की एंट्री कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, अनलिमिटेड प्रोडक्ट रजिस्टर कर सकता है, मल्टीपल बिजनेस रजिस्टर कर सकता है। और सबसे अच्छा USP आज की डेट में बहुत सारे फ़ोन जो बिक रहे हैं वो EMI बेसिस बिक रहे हैं। इसी तरीके से जो जिम के पर्सन हैं वो अपना मंथली नहीं ईयरली पैकेज सेल कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए एक महीने की फ़ीस है 1000 रुपये, एग्ज़ाम्पल के लिए मंथली फ़ीस 1000 रुपीज़ है, 12 महीने की फ़ीस 8000 रुपये है। जिम के ऑनर के पास EMI करने का ऑप्शन नहीं होता है, बट यहाँ से अगर वो चाहे तो यूज़र को एक ऑप्शन मिल जाता है पेमेंट को EMI पे कन्वर्ट करने का। यहाँ से ये ओपन हो जाएगा ईज़िली, कस्टमर किसी भी मोड के थ्रू पेमेंट को EMI में कन्वर्ट कर सकता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दोनों से ऑप्शन मिल जाता है। कस्टमर को जिससे कंफर्टेबल लगता है वो इससे अपनी पेमेंट को EMI कन्वर्ट कर सकता है। वेंडर को प्रॉफिट ये है कि उसको वन टाइम में एक पूरा अमाउंट मिल जाता है और यूज़र जो है उससे एक साल के लिए कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें एक कस्टमर इन मल्टीपल सर्विस को फाइंड कर सकता है, उसको अदर प्लेटफॉर्म पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक ही प्लेटफॉर्म पे उसको सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये एक रेफरल कोड होता है, इस रेफरल कोड से अगर मैं किसी को रेफ़र करता हूँ और सामने वाला इस रेफर कोड को रेफरल अगर इससे साइनअप करता है, साइनअप करने के बाद वो कुछ भी प्रोडक्ट परचेज़ करता है उसके हर प्रोडक्ट का 20% मुझे मेरे वॉलेट में आता रहेगा, जिसको मैं कुछ भी यूज़ करने के लिए इन सर्विसेज़ को बाय करने के लिए उन कॉइन को मैं यूज़ कर सकता हूँ। जो पेमेंट होती है वो मुझे कॉइन के रूप में यहाँ पर मिल जाती है। जितने का मैं रिचार्ज करूँगा उसके एब्सेंस में मुझे कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे। जैसे 1000 रुपीज़ का रिचार्ज करता हूँ मैं तो मुझे 1800 कॉइन्स मिल जाते हैं, प्लस 200 कॉइन उसको चले जाएंगे जिसने रेफ़र किया होगा, यानी जिस पर्सन ने मुझे रेफ़र किया था। अगर मैं 1000 रुपये का रिचार्ज करूँगा तो 1800 कॉइन तो मुझे मिलेंगे और 200 कॉइन उस पर्सन को मिलेंगे जिसने मुझे रेफ़र किया था। वैसे तो कॉइन इसमें 1000 रुपये का रिचार्ज करने पे 1200 कॉइन मिलते हैं, बट अगर मैं ये कूपन लगाता हूँ 70 और 80 वाला तो मुझे ये 80% मिलेगा, यानी 1000 रुपये पे मुझे 1800 कॉइन मिलेंगे प्लस 200 कॉइन उसको मिल जाएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को डाउनलोड करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।